हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाई आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, ये BS4 गाड़ी है भाई, और आज की वीडियो में हम बताएंगे कि अगर BS3 हो या 4 गाड़ी हो या BS6 हो, अगर हमें पानी में गाड़ी चलाते तो क्या नुकसान होता है। तो दोस्तों, पहले तो मैं इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ भाई इस गाड़ी की। ये अतुल गाड़ी है जो कि BS4 गाड़ी है, अतुल नंदी क्रांति एपे पियागो महिंद्रा अल्फा BS3 BS4 BS6 आल सभी गाड़ियों में कल क्या कंडीशन दिखी, ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे और उस टाइम क्या हुआ कि ये गाड़ी मतलब पानी में पूरी डूब चुकी थी, मतलब यहां तक पानी था इसके अंदर, मतलब रोड पर इतना पानी था, ड्राइवर को पता नहीं था किसके अंदर। तो कल क्या हुआ कि ड्राइवर को पता नहीं था कि रोड पर कितना पानी है, मतलब एक अनजानपने में गलती हुई, गाड़ी ड्राइवर ने पानी के अंदर से ले गया भाई सीधी। गाड़ी का क्या हुआ, गाड़ी पानी के अंदर जाने के बाद गाड़ी होगी बंद, और बंद होने के बाद ये तो जाहिर सी बात, अगर पानी के अंदर गाड़ी बंद हुई है तो नुकसान होगा ही होगा। तो इस गाड़ी के अंदर क्या नुकसान हुआ भाई, तो भाई गाड़ी स्टार्ट होना बंद होगी, और हमने इस गाड़ी की कंडीशन को देखा, पहली बात तो इंजन में और गियर में सभी जगह ऑयल के अंदर पानी हो चुका था, और फिर हमने धीरे धीरे पहले इसका ऐड खोला भाई, ऐड सही है, ऐड की कंडीशन सही निकली, किट आपने चेक करी, किट में कमी लगी कुछ, किट भी सही निकली। तो दोस्तों, ऐड भी सही निकला, ब्लॉक किट पिस्टन भी, वो ऐड की सिम कट की होगी, सिम दिखाओ चलो ये देखते हैं, क्योंकि गर्म गाड़ी थी और पानी चला गया अंदर, तो सिम की कंडीशन दिखाएंगे। देखो ये हमारी एड गैस किट होती है जो कि ऑटो के अंदर हमेशा तो सिम बोलते हैं, ये सिम कट चुकी है भाई, देखो ये लाल हो चुकी है और एक जगह से ब्लैक हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर पानी गया है, गर्म थी जिसकी वजह से क्या हुआ, गाड़ी ने प्रेशर काट दिया है, जोर लगाया, और जोर लगाने की वजह से क्या हुआ, इसकी कनेक्टर राड की दिए बार उठा के देखो भाई, ये CR राड है इसकी जो कि देखो रोलेक्स कंपनी की है, और ये देखो भाई क्या हुआ कि गाड़ी ने ज्यादा जोर लगाया, और ये देखो यहाँ से क्रैक भी हो चुकी है थोड़ी थोड़ी, और ये टेढ़ी हो चुकी, बांगी होगी भाई, मतलब जोर लगने की वजह से जैसे सीधी राड आती है बांगी हो चुकी थी। और इस गाड़ी में और क्या कमी लगी जी, कलच प्लेट भी स्लिप हो गई होंगी, दोनों इंजन मतलब फ्रंट वाली और बैक वाली गियर वाली दोनों सील खत्म हो चुकी है भाई, और कनेक्टर राड जा चुकी है इसमें, अब क्या करेंगे हमें, अगर आपके साथ ऐसा मतलब कंडीशन आ जाए कि आगे पानी हो भाई, आपने गाड़ी को कभी भी पानी के अंदर से नहीं लेके जाना, क्योंकि अगर इंजन तक पानी चला गया तो जाहिर सी बात है इंजन के अंदर पानी जाएगा ही जाएगा, क्योंकि पानी को तो थोड़ा सा सुराग चाहिए भी जाने के लिए, और पानी के अंदर चली जाती है गाड़ी तो उसी टाइम रोक देनी चाहिए, वह गाड़ी के साथ ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, अगर ज्यादा जोर जबरदस्ती करेंगे तो देखो ये नुकसान तो मतलब ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं हुई तो ये नुकसान कम हुआ, और अगर ज्यादा जोर जबरदस्ती की जाती तो किट भी जा सकती थी, हेड की वाल भी टूट सकती थी भाई। तो भाई सबसे पहले तो गाड़ी आपने पानी में बढ़नी नहीं चाहिए भाई, अगर पानी में गाड़ी बढ़ भी जाती है तो आपकी गाड़ी में नुकसान क्या होगा, कनेक्टर हट जा सकती है, ब्लॉक किट जा सकती है, हेड की वाल टूट सकती है, क्लच तो जाएंगी जाएंगी, और गियर बॉक्स के अंदर भी फॉल्ट चला जाएगा भाई। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको समझ आई होगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके सामने पानी है तो गाड़ी को मतलब इंजन तो भाई पानी के अंदर जाना ही नहीं चाहिए, अगर इंजन पानी के अंदर जाएगा तो आपकी गाड़ी में इंजन सीज होने का और गियर बॉक्स खराब होने का, इन दोनों कंडीशनों में आपका नुकसान होगा। तो दोस्तों, ऐसी ऑटो लाइन की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे भी, क्योंकि इस चैनल पर जेन्युइन कंटेंट आता भी, कोई भी फेक कंटेंट नहीं आता। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।